हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव क्लास, जो कि क्लास ट्वेल्थ के लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के लिए, वो भी उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इसके प्रीवियस लाइव क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे तीन जगहों पर, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एनीवेयर, ठीक है। तो इससे पिछले लाइव क्लास में हम लोगों ने एक्सियल के लिए काम करा था और आज हम लोग काम करने वाले हैं इक्वेटोरियल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में दे दिया है। तो आज हम लोग सीधे डेरिवेशन शुरू करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ना ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। और हमने इसके डिस्टेंस को कहा था कि ये डिस्टेंस जो होता है सेपरेशन, ये टू ए होता है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, जो मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगा, इसको इक्वली डिवाइड करेगा। तो ये ए हो गया, ठीक है, और ये भी ए हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल पर हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ई एक्सियल निकाला था कितना, 1/4 pi epsilon naught 2 p/r³। ये हमारा इक्वेशन निकल कर आया था, ठीक है। अब हम लोग इक्वेटोरियल के लिए काम कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है पी। यहाँ पर हम लोगों को इसके वजह से, इस डायपोल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये यहाँ से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो काम करना है वो वेरी सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। हम लोगों ने ऐसा काम पहले भी किया है और पिछले क्लास में भी कहा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम ए की वजह से निकालेंगे पी पर, फिर बी की वजह से निकालेंगे, और दोनों काम करना है। मतलब दोनों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ए की वजह से पी पर अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये P पॉइंट पर हमें निकालना है। तो अब देखिए एक चीज़ और कि ये 90 डिग्री है, तो ये R है, ये A है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर हम इस AP का वैल्यू निकालें तो AP का वैल्यू आ जाएगा √a² + r², ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा √a² + r², तो ये हमने पहले ही निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4 pi epsilon naught q/r², ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम P पर निकालेंगे A की वजह से। तो सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A, A की वजह से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught और P पर जो चार्ज है वो कितना है, q/ap² अब देखिए मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन निकालना है, ये निगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। तो ये निगेटिव है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया EPA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखिए डायरेक्शन क्या है, तो लिख देंगे अलोंग PA, पी से ए की तरफ। अब EPA निकल गया है, ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो EPA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, q/ap² तो यहाँ पाइथागोरस अगर लगाए तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा r² + a² सिंपल, ठीक है, एलोंग PA, ये निकल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे P पर B की वजह से। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू B की वजह से, तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू और बी पी का स्क्वायर,
ठीक है, बीपी स्क्वायर। और देखिए ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, तो फील्ड यहां पर इस तरफ हो जाएगा इस तरह, ठीक है, ये हो जाएगा ई पी बी वैक्टर, ठीक है, तो लिख देंगे एलोंग बी से पी की तरफ, एलोंग बी पी। तो अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ई पी बी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई बी पी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एलोंग बी पी, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोगों ने क्या क्या काम कर लिया, दोनों के लिए हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया। अब यहाँ पर दोनों का देखिए तो दोनों के डायरेक्शन में थोड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों एक लाइन पर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा वैक्टर का काम करेंगे जिसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर। तो इसके लिए अब हमें रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर का काम करना है, तो रिजोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एंगल का पता होना जरूरी। अब देखिए ये ए है, ये भी ए है, ये जितना है उतना ही ये है, इसका मतलब कि जितना ये दोनों साइड इक्वल है आपस में, तो यहां अगर एंगल थीटा बन रहा है तो यहां भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होते हैं और दोनों के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है। अब यहां पर इसको रिजोल्व करना है, तो रिजोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखिए ठीक है, तो रिजोल्यूशन के लिए क्या करना है, देखिए इसका हम यहां पर एफ बी डी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफ बी डी जब ड्रॉ करेंगे तो एफ बी डी ड्रॉ करने पर ये क्या मिलेगा, देखिए ये पी पॉइंट है तो हमने यहां पर पी पॉइंट ले लिया, एक एरो इधर आ रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर ए की वजह से, एक एरो इधर जा रहा है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर बी की वजह से, ठीक है। अब इसको रिजोल्व करना है, तो रिजोल्व के लिए हमने बताया था आपको कि यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहां पर काम क्या करना है, तो देखिए काम ये करना है कि थीटा कौन सा होगा, तो थीटा के लिए मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने यहां ड्रॉ किया है वो यहां भी ड्रॉ करें ताकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता, ये एंगल का पता चल सके। तो अब देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस पैरेलल है किसके, ए बी के, इस वजह से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा तो जो थीटा हमें यहाँ मिला है वो उसी थीटा को यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये रहा हमारा थीटा और एक थीटा ऊपर रहेगा। अब इसे रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा ई पी ए साइन थीटा और इधर आ जाएगा ई पी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। फिर इसके लिए रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई पी बी साइन थीटा और इधर आ जाएगा ई पी बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर एक चीज नोटिस करें तो ई पी ए के लिए देखिए 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर ई पी बी देखें तो ये भी 1/4 pi epsilon naught क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और थीटा भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो जब दोनों के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन दोनों साइन कॉम्पोनेंट है और दोनों के लिए एंगल भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ई पी ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ई पी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितना रिजल्ट देगा, तो ई पी ए साइन थीटा प्लस ई पी बी साइन थीटा, ये दोनों मिलकर आपको रिजल्ट देगा कितना, जीरो। तो बच गया कौन, ई पी बी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस कंपोनेंट इसका ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर ई पी जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा ई पी बी कॉस थीटा प्लस ई पी ए कॉस थीटा, दोनों के लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए दो चूंकि ई पी बी और ई पी ए, ई पी ए ई पी बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से हम सीधे ई पी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 2 ई पी बी कॉस थीटा, ठीक है।
अब यहां पर देखिए ई पी इज इक्वल टू 2 इंटू ई पी बी, तो ई पी बी का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इनटू, अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो यहां से अगर हम कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस यहां क्या है ए, और हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है ये, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है, तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2A, ऊपर वाले को अरेंज करके लिखें और नीचे वाले को लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है 3/2। तो अब देखिए Q इंटू 2A हम लोगों ने पढ़ रखा है कि Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सिंबल क्या होता है P, तो हम Q इंटू 2A की जगह डाल देंगे P, तो EP इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught, ठीक है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A की जगह हमने P डाल दिया और ये आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसमें अगर हम एक स्पेशल केस ले लें, स्पेशल केस क्या है देखिए, स्पेशल केस ये है कि अगर इफ R स्क्वायर, अगर R बहुत बड़ा है किससे, A से, अगर R का वैल्यू, ये जो R है ये काफ़ी बड़ा है A से, तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। तो जब हम इसको यहां पुट करेंगे तो ई पी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught पी बाई, और इसके जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई पी, ये जो पी है ये एक्चुअली में इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो हम यहां लिख देंगे ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught P by R cube। अब देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि E axial पर कितना आया था, इसको अगर यहां लिख दें कंपेरिजन के लिए, तो E equatorial is equal to 1/4 pi epsilon naught P by R cube। तो दोनों में डिफरेंस कितना है ये आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। axial पर जो आया था वो 2p था और इक्वेटोरियल पर जो आया है वो p है, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। इसमें अगर किसी भी, इसमें क्या किए फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट लिया, उसके बाद सुपरपोजिशन लगाकर p पर a की वजह से निकाला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वैल्यू पुट कर दिए, फिर हम लोगों ने p पर निकाला b की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वैल्यू पुट कर दिया, फिर दोनों को रिजॉल्व किया, क्योंकि दोनों एक लाइन पर नहीं था, एक लाइन पर होता तो सीधे हम लोगों ने जैसा एक्सियल पर किया था वैसा करते तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों एक लाइन पर नहीं है इसलिए रिजोल्यूशन के लिए एंगल जरूरी है, तो एंगल के लिए हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ ड्रॉ करा, तो पता चला कि ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है। तो उस तरीके से एंगल पता हुआ तो हम लोगों ने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने पर ये देखने को मिला कि साइन साइन को कैंसिल कर देता है, इसलिए साइन कंपोनेंट मिलकर क्या देगा, 0, लेकिन कॉस कंपोनेंट का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से ये जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो ई पी वी का वैल्यू डाल दिए, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, उसका वैल्यू यहाँ ट्रायंगल से डाल दिए, उसके बाद मैथमेटिकली सॉल्व किए, तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल पर हम लोगों ने एक्सियल निकाल लिया, इक्वेटोरियल निकाल लिया, अब जो आता है वो है एनीवेयर, ठीक है। तो एनीवेयर के लिए अब हम लोग आगे देखेंगे, अब इसके बाद देखिए यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ई एक्सियल 2 times होता है इक्वेटोरियल पी बाई आर की, तो इसको अगर आप दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए ई एक्सियल इज इक्वल टू 2e इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में कहें कि ये YouTube का बहुत बेहतरीन चैनल है फिजिक्स के लिए, और इस लॉकडाउन में, इस क्वारंटाइन पीरियड में ज़रूर उन्हें कहें कि सब्सक्राइब करें, और हमारे डेली लाइव क्लासेज जो कि 2:30 PM में 12th क्लास के लिए और 10:30 PM में 11th क्लास के लिए रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स लेकर, सेम एकदम, मतलब कहते हैं कि सिलेबस जो चल रहा है आपका वो एकदम फ्लो में चल रहा है, ठीक है। तो कभी मिस ना करें, ठीक है, और मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन भी आपसे करवाता रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहें, और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।